हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? होप शो अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है मैथ्स बाय राजेश चंगला पे। तो आज हम बात करेंगे, क्या चल रहा है हमारा इनडेफिनिट इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं और कहाँ से कर रहे हैं? एलिमेंट की बुक से कर रहे हैं। एनसीईआरटी से हम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। सो आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 9.7 की एलिमेंट की बुक से, और क्या पढ़ेंगे? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो क्या होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स? जिन्होंने पिछले लेक्चर देखे उनको पता है, ठीक है? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में पहले भी करवा चुका हूँ एनसीईआरटी में। सो जिनको नहीं पता वो देख लीजिए। इट्स सिंपली ए प्रोडक्ट रूल इन इंटीग्रेशन। जैसे मेरे पास डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल होता था ना, डी वाई बाय डी एक्स, अगर मेरे पास दो फंक्शन थे यू इंटू वी, उसका मुझे डिफरेंशिएशन करना होता था, तो कैसे करते थे? फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का डेरीवेटिव, फिर क्या करते थे? प्लस सेकेंड एज इट इज फर्स्ट का डेरीवेटिव। ये मेरा रूल होता था किसमें? डिफरेंशिएशन में। बट इन केस ऑफ इंटीग्रेशन, अभी तक हमने प्रोडक्ट रूल की बात नहीं की थी, तो अब हम बात करेंगे प्रोडक्ट रूल की। कि मान लो मेरे पास कोई भी दो फंक्शन है यू एंड वी, फंक्शन ऑफ एक्स। इसका मतलब सिंपली मैं बोल सकता हूँ कि यू जो है मेरा लेट बी इट इज एफ एक्स है, और वी जो है दैट इज जी एक्स है। तभी तो मैं इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट करूँगा ना। तो यू एंड वी मैंने मान लिए कि ये क्या है? दो फंक्शन है, किसके? फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है? सो वी हैव टू इंटीग्रेट दैम विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो अगर मुझे ऐसे दो फंक्शन मिलते हैं प्रोडक्ट फॉर्म में, तो उनका मैं इंटीग्रेशन कैसे करूँगा? उसके लिए मेरे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला है। क्या होता है? देखो, एज इट इज़, देखो पहले कंडीशन में तो सेम रहेगा कि भाई फर्स्ट एज इट इज़ सेकेंड का, यहाँ डिफ्रेंशिएशन होता था, डिफ्रेंशिएशन कर रहे तो इंटीग्रेशन कर रहे तो इंटीग्रेशन होगा, ठीक है? फर्स्ट एज इट इज़ सेकेंड का इंटीग्रेशन। अब क्या आएगा? प्लस की बजाय यहाँ साइन आता है माइनस का। किसका? माइनस का। एंड देन क्या होता है? फर्स्ट फंक्शन, अब मैंने देखो इसको ऐसे भी याद रख सको, इसको मैं फर्स्ट से करता हूँ, इसको सेकंड से, याद रखने का तरीका है। फर्स्ट एज इट इज सेकंड का इंटीग्रेशन एंड देन फर्स्ट का डेरिवेटिव। फर्स्ट का क्या करना है? डेरिवेटिव। सेकंड का एज इट इज पहले की तरह इंटीग्रेशन। फर्स्ट एज इट इज सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन, एंड इस पूरे का क्या होगा? इंटीग्रेशन होगा। इस पूरे का क्या होगा? इंटीग्रेशन होगा। दैट्स इट, दैट्स द फॉर्मूला। मीन्स ये मेरा फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकेंड फंक्शन है, तो वी कैन सॉल्व इट लाइक दिस, इजी। सो ये हटा दूँ, इसकी ज़रूरत नहीं मुझे, ठीक है? याद रखने का सिंपल सा तरीका है, फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकेंड का इंटीग्रेशन, और पूरे का इंटीग्रेशन कर दो, ठीक है? यानी इन दोनों को सॉल्व करके जो टर्म मिलेगी उसका फिर से इंटीग्रेशन मुझे करना पड़ेगा। दैट्स द प्रोडक्ट रूल फॉर द इंटीग्रेशन, और वी कैन से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। चीज़ें समझ में आई, ठीक है? इसमें आगे बढ़ने से पहले कि आगे क्या क्या टर्म आने वाली है, कि फर्स्ट फंक्शन किसको लेना है, सेकंड किसको लेना है, वो चीज़ें बाद में बात करेंगे। पहले मैं इस फॉर्मूले पे बेस्ड एक क्वेश्चन करवा देता हूँ सिंपल सा, ठीक है? उसके बाद इससे आगे बढ़ते हैं कि क्या ये इतना ही सिंपल है जितना सिंपल फॉर्मूला दिख रहा है, ठीक है? तो उसकी बात करेंगे। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन देख लो इस पे, जिससे कि आपको ये फॉर्मूला थोड़ा सा याद हो जाए। तो मैं लेता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू लेट बी इट इज कॉस एक्स। मान लो मैंने कोई भी एक फंक्शन लिया जिसका मुझे इंटीग्रेशन करना है, ठीक है? सो अब देखो, एक्स इंटू एफ एक्स, दो फंक्शन है, ये मेरा यू की तरफ वर्क कर रहा है और ये मेरा वी की तरफ वर्क कर रहा है। अगर मुझे इसका इंटीग्रेशन करना हो तो कैसे होगा? इट्स वेरी सिंपल। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, तो एक्स को मैंने एज इट इज लिखा। इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन कर दो, तो कॉस एक्स डी एक्स मैंने लिख दिया। बीच में माइनस का साइन, जी बिल्कुल है। अब बड़ा इंटीग्रेशन होगा, और अंदर क्या करोगे? फर्स्ट जो एज इट इज लिखी थी उसका डेरिवेटिव, यानी डी वाई बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू सेकेंड का एज इट इज इंटीग्रेशन, जो पहले किया था वही एज इट इज रहेगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है भाई? ये हो गया, और इस पूरे का भी इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे भी लगेगा डी एक्स। इस इंटीग्रेशन का ये डी एक्स है, इस इंटीग्रेशन के लिए ये डी एक्स है। सो नाउ दैट्स योर फॉर्मूला, इजी था, सॉल्व करो। अब एक्स मेरा एज इट इज, अब मुझे बताइए जी कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है जी? वो होता है जी साइन एक्स। माइनस का साइन मेरा एज इट इज, ये बड़े वाला इंटीग्रेशन एज इट इज। एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा जी? वन। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सॉरी इंटीग्रेशन क्या होगा जी? अगेन इट इज साइन एक्स, ठीक है? और ये हो चुका है, ये रहा इसका डिफरेंशिएशन हो चुका है ये। अब ये जो टर्म कंक्लूड करके आई फाइनली, उसका इंटीग्रेशन फिर से मुझे करना है। तो अगेन मेरे पास आंसर क्या आया? एक्स इंटू साइन एक्स एज इट इज माइनस वन की, वन इंटू साइन एक्स इज साइन एक्स, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? दैट इज योर माइनस कॉस एक्स,
और जब इंटीग्रेशन करते हैं तो प्लस में एक कॉन्स्टेंट साइन हमेशा लगाते हैं, दैट इज सी। दिस माइनस एंड माइनस बिकम प्लस, सो दैट्स योर फाइनल आंसर फॉर दिस वन। हो गया भाई, इजी।